माता की चुन्नी ले लो, ले लो ले लो मेरी माता की चुन्नी ले लो, फूल ले लो मेरी माता के फूल ले लो। बेटा मेरे घर कंजक काने चलोगे? माँ मैं जाऊँ कंजक काने? हाँ बेटा तू जा, मैं भी चलूंगी। आ जा। यार सुबह से तूने कितने पैसे कमा लिए? मैंने तो 250 कमाए हैं। बस 250 मेरे तो पूरे 500 हो गए। 500 कैसे? वो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी ना। अच्छा जी, मेरे से पहले चली गई। इनका तो कुछ नहीं हो सकता। यार इतनी देर हो गई, कोई अभी तक आ क्यों नहीं रहा? हाँ यार कोई भी नहीं आ रहा। आइडिया, ऐसा करते हैं हम सारे इधर उधर हो जाते हैं और जिसको भी जो मिलेगा, तू अगर तेरे को मिला तू मेरे को आवाज मार, मेरे को मिलेगा मैं तेरे को आवाज मारूंगी। चल जल्दी चल। बेटा। हाँ जी अंकल। हमारे घर कंजक काने चलोगे? हाँ जी अंकल चलेंगे ना। देख यहाँ पे कैसे कैसे लोगों को बुलाया हुआ कंजक पे। हाँ अच्छा इन सबको छोड़, तेरी कंजक पे खाने के लिए क्या मिल रहा है? मेरी कंजक पे तो ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल, हेयर बैंड वगैरह मिलेगा। और तेरी कंजक पे क्या मिलेगा? मेरी कंजक पे मैगी, ये पील लेस और मिक्स 50 रुपए। तू मुझे अपनी कंजक पे बुलाएगी? हाँ बुला लूंगी जब तू अपनी कंजक पे मेरे को बुलाएगी। चल ठीक है मैं भी बुलाऊंगी। ओके डन डन। अरे आ गई बेटा कंचका से? हाँ माँ। अच्छा तो कैसी गई तेरी कंचका? अच्छी गई माँ। अच्छा माँ मैं क्या कह रही थी कि हम कंचका क्यों नहीं पूछते? बेटा हम कहाँ से लाएंगे इतना खाना कंचका के लिए? वैसे क्या फर्क पड़ता है, मैं तुझे पूछ दूंगी, तू भी तो हमारी लक्ष्मी है ना। ठीक है माँ। वैसे मैं काम पे जा रही हूँ, तू चलेगी मेरे साथ? हाँ माँ मैं भी चलूंगी, क्या पता रास्ते में मेरी माँ की चुन्नियाँ भी बिक जाए। ठीक है सामान बांध ले। पापा ये क्या कर रहे हो आप? अरे बेटा वो गुड़िया आ रहा है ना, तेरे पुराने कपड़े उसी को दे रहा था मैं। उस गुड़िया को? पापा ये मेरे ब्रांडेड कपड़े हैं। अरे बेटा तुम ये कपड़े को पहन भी नहीं रहे हो। तो क्या हो गया, मैं नहीं पहनती, मेरा मन नहीं है, बट अलमारी में रखे रखे अच्छे तो लगते है ना। अरे बेटा ये पुराने कपड़े उसी को दे दूंगा, वैसे नवरात्रे आ रहा है ना, वो बहुत खुश हो जाएगा तुमसे। नहीं पापा मैं उसको अपने घर का एक पोछा ना दूं, मेरे कपड़ों की तो दूर की बात है। अरे बेटा वही आई होंगी और साथ में आज अपनी बेटी को भी जरूर लाई होंगी, कपड़े जो लेने हैं उसको मेरे। खोलो दरवाजा शौक से।
अच्छा आज गुड़िया भी आई है साथ में। मुझे पता था आज ही आपके साथ जरूर आएगी, क्योंकि त्योहार आ रहे हैं ना, फिर से कुछ चाहिए होगा हमारे घर से इन्हें। अरे वो बच्ची है, उसकी बातों में ध्यान मत दो, आप अंदर आ जाओ। कपड़े चाहिए थे ना मेरे, ये लो और यहाँ से निकलती बनो। हर त्योहार पे आप हमें कुछ ना कुछ तोहफे देते हैं ना, इस बार हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं, शायद आपको अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगेगा। हम चलते हैं। पापा देख लिया बेटा, उनकी हैसियत भी नहीं थी, फिर भी वो लोग इतना अच्छे ड्रेस तुमको दे दिया, और तुमने उनको क्या दिया, अपने फटे हुए पुराने कपड़े। मुझे माफ कर दो बाबा। बेटा माफी मुझसे नहीं उनसे मांगो। चलो कोई नहीं, तुमको गलती का एहसास हो गया ना, हर इंसान इक्वल होता है, गलतियाँ होता रहता है, कोई नहीं आगे से ध्यान रखो ठीक है। हे गाइस, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और मेरा चैनल अदिति शर्मा को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और मैंने अपना फेसबुक अकाउंट भी बना लिया फाइनली, तो आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है और इंस्टाग्राम का भी नीचे लिंक है, तो आप मुझे बहुत सारा प्यार ज़रूर देना। और हाँ, मैं नेक्स्ट अपील में भी आपसे खूब सारी बातें करूँगी, और जिसका कमेंट मुझे इंटरेस्टिंग लगा और उसका रिप्लाई भी करूँगी उसके नेम के साथ, तो मुझे बताना आपको सबसे अच्छा मुझमें क्या लगा क्या नहीं लगा। मिलती हूँ एक प्यार सी वीडियो के साथ जल्दी, और तब तक के लिए साइड में ये जो जो आ रहे हैं ना, तो इन वीडियोस को भी प्लीज़ देखना, और मेरी पुरानी वीडियोस भी प्लीज़ ज़रूर देखना। आप सबको हैप्पी नवरात्रि, तो मिलते हैं जल्दी प्यारी सी लवली सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू, जय बजरंगबली।